हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पे आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को इफेक्टिवली रीड करना, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में ज़्यादा बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक के ऊपर में काम करने के वजह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ में टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस, लाइक किस तरह से चैनल के अंदर में ट्रेड करना चाहिए, ट्रायंगल ब्रेकआउट को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ऑप्शंस के साथ में मिक्स करके, सो दैट आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपने आपको अपडेट रखने के लिए और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, और इंडिया विक्स ऑलरेडी हम काफ़ी दिन से इसे फॉलो कर रहे हैं, एंड ये मेरे लास्ट वीडियो भी अगर आपने देखा होगा या मेरे वीडियोस आप फॉलो करते होंगे डेली एनालिसिस का, तो आपने देखा होगा कि लास्ट डे भी मैंने बोला हुआ था कि इंडिया विक्स थोड़ा सा ठहरता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, शायद से थोड़ी सी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन बढ़ सकती है। पैनिक सिचुएशन आज के दिन में हमें बढ़ती हुई नज़र आई है, एंड हमने लगभग 3 पॉइंट्स का गेन करके लगभग 41 पॉइंट्स के आसपास में क्लोजिंग दी है। रिजल्ट क्या हुआ मार्केट के अंदर में, पैनिक आपको भी मालूम है, बहुत बेहतरीन आज दिखा है, मार्केट गिरता हुआ नजर आया हुआ है, एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी पे उसका डायरेक्ट हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी फर्स्ट। और निफ्टी 50 ने आज क्लोजिंग दी है 8823 पे, बिलो 9000। और ये भी हम नहीं बोल सकते कि 9000 के बहुत नज़दीक क्लोजिंग दी है, अच्छा खासा पॉइंट लूज करके लगभग 180 पॉइंट्स आप बोल सकते हैं लूज करके वहां पे गया है 8823। बहुत ही बेरिश क्लोजिंग है, इसे क्लियरली हमें समझ के चलना चाहिए। ओपनिंग हुई थी 9158 पे, हाई बनाया 9158 अगेंस्ट दी क्लोजिंग ऑफ 9136। सो कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई है, इनफैक्ट 20 पॉइंट्स अप ही हम ओपन हुए थे, लेकिन लो बनाया 8806 का, लगभग कितना 350 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट हमें दिन भर में आज निफ्टी के अंदर में देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, क्लोजिंग 17573, 18500 रेजिस्टेंस था, 18500 सपोर्ट था, उसके तोड़ के हम 17500 पे काम कर रहे हैं। ओपनिंग 18795 पे हुई थी अगेंस्ट दी क्लोजिंग ऑफ 18833, कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 30-40 पॉइंट्स हम नीचे ओपन किए, लेकिन उसके बाद में हमने भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बिकवाली देखी है। 17514 का लो, 18795 का हाई, लगभग आप देखें तो 1300 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक के अंदर में। पॉइंट वाइज बहुत ही बुरी गिरावट है, 1313 का एंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 1261 पॉइंट्स का। सो बहुत ही बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली है, इसे स्ट्रांगली बेरिश माना जा सकता है पॉइंट वाइज। चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे किस तरफ का कैंडल बना हुआ है, बट एक चीज़ तो क्लियर है, अभी तक बहुत ये क्वेश्चंस आ रहे थे, लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि क्या मार्केट ने लो बना दिया है। शायद आज उन सबको आंसर मिल गया होगा कि मार्केट ने अभी तक लो बनाया नहीं है, और मार्केट शायद और नीचे गिर सकता है, चांसेस हैं। अभी तक जिस वजह से हम गिरना चालू हुए थे वो कहीं थमते हुए नज़र नहीं आया है, मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 के बारे में, कोविड-19 कहीं भी थमते हुए नज़र नहीं आया अभी तक, तो डेफिनेटली देर आर हायर चांसेस कि हम शायद थोड़ा लो और जावें और नया लो बनाते हुए नजर आ सकते हैं। बात कर लेते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेड जिस तरह से मैंने नॉर्मली मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं 9:30 से 10 o'clock के बीच में मेरा जो भी ट्रेड होता है शेयर करता हूँ, या तो मेरा व्यू शेयर करता हूँ। सो आज व्यू शेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ही बेरिश नज़र आ रहा था और इस तरह से मार्केट के अंदर में गिरावट होने के चांसेस थे,
बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग और आई वॉज वेटिंग फॉर लेबल टू क्रॉस. उस लेबल के बाद में ही मेरा व्यू वेरिश होना था और उस लेबल के क्रॉस होते ही मैंने पोजिशन बनाई थी 18,000 PE. आज मैंने सॉरी बाई किया हुआ था, 18,000 PE बाई किया था और इसे हमने बाई किया था लगभग लगभग 440 के आसपास में. एंड मेरा TSL जो हिट हुआ वो 540 के आसपास में हुआ. ये जो पूरा ट्रेड था, ये ट्रेड को 2 से 3 मिनट ही लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगे. 100 पॉइंट का गेन यहाँ पे मैंने किया हुआ है. इसके अलावा मैंने दूसरे भी ट्रेड्स लिए थे, लेकिन मैंने सिर्फ यही ट्रेड मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में मैंने शेयर किया था. सो दोस्तों होता ऐसा है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर में मैं मेरा एक ट्रेड कोई भी शेयर करता हूँ दिन भर के अंदर में, या तो अपना व्यू बैंक निफ्टी या निफ्टी के बारे में वहाँ पर शेयर करता हूँ. सो आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं सो बढ़िया है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था, ये जब मैं चार्ट पे चलूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बैंक निफ्टी पे कि मैंने आज 18,000 PE का ट्रेड क्यों लिया था. चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में. सो दोस्तों कल के दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर में इस वीक के अंदर में 5 ऐसे स्टॉक्स जो आपको मोमेंटम दिखा सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. क्यूमिंस इंडिया एक उसमें से स्टॉक था, आज वहाँ पे अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है. एंड PVR भी हमारा एक दूसरा स्टॉक था जिसके अंदर में आज हमें गिरावट देखने को मिली है. इनफैक्ट यहाँ पे जो मैंने 80 रुपीज़ के आसपास का ट्रेड की बात की थी वो टारगेट ऑलमोस्ट आज अचीव होते हुए नजर आया है. अभी भी व्यू वेरिश ही नजर आ रहा है यहाँ पे. सो आउट ऑफ 5 स्टॉक 2 स्टॉक ने आज के दिन में मोमेंटम दिखा दिया है एंड वेटिंग 3 more stocks टू शो दी मोमेंटम. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं. चलिए बात करेंगे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में और ये आने वाले दिनों में किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. निफ्टी 50 से शुरुआत करेंगे एंड ये 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट्स का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ. आज के दिन में जो ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग लगभग लगभग 9,160 के आसपास में, जो 9,160 के आसपास में ओपनिंग हुई थी. कल के दिन में जो हमने यानी फ्राइडे के दिन में जो क्लोजिंग थी उसके आसपास की ही ओपनिंग हुई थी एंड हम नीचे गए. पहले दो कैंडल, पहले आधे घंटे के अंदर में भारी भरकम सेल देखने को मिला. क्यों हुआ ऐसा? पहली चीज, जिस तरह से स्टिमुलस ऑफर किया गया था, जिस तरह से स्टिमुलस के अंदर में जिस तरह से लोगों ने वहां पे एक्सपेक्टेशन बनाए थे, हमने देखा था मार्केट कितना गैप अप ओपनिंग दिया था. ये इसी दिन हुआ था, गैप अप ओपनिंग की बात है. लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू हमने प्रॉफिट बुकिंग की. अब स्टिमुलस रोज डिक्लेयर हो रहा है, कुछ ना कुछ डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो पा रहा है. इतना बड़ा हमने स्टिमुलस दिया हुआ है लेकिन जितनी बड़ी हम कंट्री हैं, क्या उस कंट्री के अंदर में फाइट करने के लिए वो स्टिमुलस बराबर होगा? शायद होगा, शायद नहीं होगा, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ. लेकिन मार्केट उसे एक्सपेक्ट करके, उसका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था. सो मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद से, इसकी वजह से मार्केट के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है. लोगों को उम्मीद थी शायद सैटरडे संडे कुछ अच्छा आने वाला है, लेकिन जिस तरह से हमने FDI के अंदर में भी छूट दी, एक मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट के अंदर में मुनाफा वसूली देखने को में मिली हुई है. एंड जिस तरह से स्मार्ट मनी और FII मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, बैरिश मूड में बैठे हुए हैं, आज वो बैरिश मूड क्लियर कट देखने को में मिला हुआ है. सो हम देख सकते हैं फिलहाल जो हमने रेंज, जो हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, ये ट्रेंड लाइन कुछ 12th May को कनेक्ट करते हुए आती थी. इसे ब्रेक करने के बाद में मैं आई वॉज कम्प्लीटली बैरिश कि आज बैरिश मूड में ही काम होने वाला है. वी टुक सपोर्ट, सपोर्ट हमने कहाँ लिया, सपोर्ट भी हमने 12th May के लो से ही हमने सपोर्ट लिया हुआ है. सो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को आपको दिखाने की कोशिश करूँ, सो ये देखिए आपको ये ट्रेंड लाइन नजर आएगा. 12th May का ही ट्रेंड लाइन मैंने ये ड्रॉ किया. 12th May से एक्सटेंड करेंगे तो शायद थोड़ा पीछे भी जाएगा, लेकिन 12th May के ट्रेंड लाइन से इसे ड्रॉ किया था मैंने और यहाँ पे ही सपोर्ट लेते हुए मार्केट फिलहाल नजर आ रहा है. चांसेस है नीचे जाने के, यस चांसेस है नीचे जाने के, क्योंकि मार्केट जिस पे बैरिश है और नीचे भी हम जा सकते हैं. सो आज के दिन में जिस तरह से हमने काम किया हुआ है, थोड़े और लोअर लेवल्स बनते हुए भी आपको हो सकते हैं एक दो दिन में नज़र आ सकते हैं. प्रॉफिट बुकिंग पूरे सारे स्टॉक्स के अंदर में, सारे जो भी क्रॉस निफ्टी के जो भी स्टॉक्स है, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को आज के दिन में मिली हुई है. मार्केट ब्रेथ भी कुछ खास पॉजिटिव नहीं था एंड मोस्टली नेगेटिव स्टॉक्स ही देखने को हमें वहाँ पे मिल रहे थे. अगर मैं इसे डेली चार्ट के ऊपर में देखने की कोशिश करूँ तो एक कंप्लीट डार्क नेगेटिव साइन आपको नजर आएगा, रेड कैंडल नजर आएगा. हमारा जो लेवल था ये लेवल 9,129 का सपोर्ट का था, देन सेकेंड 8,995 क्लोज टू 9,000 एंड देन आफ्टर दैट 8,902. इन सब को तोड़ते हुए हमने लोअर लो पॉइंट बनाया हुआ है एंड हमने आज क्लोजिंग कहाँ दिया, 16 अप्रैल 2020 के लो को भी तोड़ा है हमने आज के दिन में.
बेहद बेरिश मार्केट ने काम किया हुआ है आज के दिन में, एंड ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको 8,762 तक के लेवल्स भी देखने को मिले। सो अब चार्ट के ऊपर में कहाँ रेजिस्टेंस कहाँ सपोर्ट देखने को मिल रहा है एक बार वो देख लेते हैं। अगर मैं चार्ट के ऊपर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ, सो लेट मी ओके चार्ट कैंडल आप देख रहे हैं, कैंडल बहुत ही बेरिश है और हमने क्लोजिंग दी है लगभग 8,830 के आसपास में कुछ हमने क्लोजिंग दी है। अब नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है 8,757 के आसपास में है, 8,643 के आसपास में मुझे सपोर्ट दिख रहा है, एंड देन अगर वो टूटा तो डेफिनेटली 8,500 के आसपास में रुकने की कोशिश करेंगे, एंड देन 8,248 ये सपोर्ट लाइन नीचे की तरफ नज़र आ रही है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अब ऊपर की तरफ जाते समय आपको 8,900 से लेके 9,000 के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा। इनफैक्ट क्या हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, और लॉन्ग पोजीशन कब बनेगा, लॉन्ग पोजीशन 9,000 के ऊपर ही बनना चाहिए क्योंकि एनी हाउ जिस तरह से 9,000 आज तक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम किया था, अब आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो एक बार 9,000 हम कंफर्टेबली क्रॉस करते हैं तो ही कोई बुलिश पोजीशन बनते हुए नजर आनी चाहिए। 9,130 पे हमें एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा, 9,286 एंड देन उसके बाद 9,377 एंड अगर इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो 9,000 से लेके 9,200 एक रेंज होगा जो देखने लायक होगा, एंड 9,200 से लेके 9,500 दूसरा रेंज होगा जिस पे नज़र होगी क्योंकि अब आने वाले टाइम पे ये आपके लिए बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में कैसी पोजीशन बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन जो होना चाहिए रेड हमें पूरा दिखना चाहिए कॉल साइड में वो दिख रहा है, एंड ग्रीन दिखना चाहिए पुट साइड में वो भी नजर आ रहा है। राइटिंग कॉन्फिडेंसली डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाएगा कॉन्फिडेंट राइटिंग, क्यों देखा जाएगा क्योंकि आज के दिन में मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली हुई है। क्लोजिंग 8823 पे हुई है, 8823 की वजह से 8,800 हमारा एट द मनी हो गया। ओपन पोजीशन देखिए 9,90,000 3,78,000 एडिशन यहाँ पे 2,40,000 का, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग्स बने हुए हैं 9,21,000 का हमें ओपन इंटरेस्ट 8,600 पे भी दिख रहा है, 8,500 पे भी हमें लगभग 12,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और यहाँ पे भी एडिशन 3,69,000 का एक सपोर्ट अब नज़र आना चाहिए 8,500 के आसपास में, एक सपोर्ट आना चाहिए आपके सामने में, एक सपोर्ट दिखना चाहिए 8,500 पे। अगर ये सपोर्ट नहीं दिखा तो फिर मार्केट 8,000 तोड़ने के लिए तैयार दिखेगा, बट ऐसा लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा, शायद 8,000 के आसपास में जाते 8,500 के आसपास में जाते हुए हम रुकेंगे थोड़ा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का है, ऊपर की तरफ आप 9,000 का रेंज पकड़ के चलिए। सो 8,500 से 9,000 के अंदर में काम करते हुए हम नज़र आएंगे, इनफैक्ट 8,900 पे भी अच्छा खासा पोजीशन बिल्ड होते हुए नज़र आया है। सो जिस तरह से मार्केट ने आज के दिन में काम किया है, आईवीज बढ़ते हुए भी नज़र आई हुई हैं, पैनिक सिचुएशन बढ़ते हुए नज़र आया है, एंड मार्केट के अंदर हम देखें फिलहाल स्ट्रैडल 157 एंड 128 पे काम करते हुए नज़र आ रहा है। सो लगभग अगर मैं इसे देखूँ तो 57, 87, 85 सो 285 यानी 300 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है अभी भी मार्केट के अंदर में, जो कि आपका 8,500 9,000 के आसपास में काम करते हुए नज़र आ सकता है। 9,100 तक जा रहा है लेकिन 9,000 में आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर 9,000 के ऊपर हम जाते भी हैं तो एक बार 9,050 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है क्योंकि 9,000 के ऊपर जाते हम रिवर्सल ले सकते हैं। फिलहाल मार्केट यही इंडिकेट कर रहा है निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस लिए मैंने वो कॉल लिया था वो बताना बहुत ज़रूरी है। मुझे किसी ने पूछा भी है कि आज मैंने 18,000 का पी क्यू ब्रॉड किया। देखिए जो मैंने 18,000 का पी ब्रॉड किया उसका रीज़न ये था, आप देख सकते हैं मैं लास्ट वीडियो में इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, हमने लोअर लो बनाया हुआ था, मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक किया मैंने पोजीशन बनाई है। पोजीशन कौन सी बनाई है मैंने, ओटीएम बनाई हुई थी, ओटीएम बनाई हुई कौन सी 18,000 की। क्यों? क्योंकि इफ़ यू लुक एट दिस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे आता है, ये ट्रेंड लाइन आपका 18,035 18,041 और अगर थोड़ा नीचे जाए तो 18,000 के आसपास में। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये 45 मिनट्स के अंदर में 18,000 तक पहुँच जाएगा, बट वो 15 मिनट में ही पहुंच गया। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि मेरा ट्रेंड लाइन 18,000 के आसपास में था। सो मुझे इतना श्योर था कि मार्केट 18,000 तो जाएगा ही जाएगा। सो इसके लिए मैंने 18,000 का पुट बाय किया था। जब श्योर है तो ओटीएम बाय कर सकते हैं, लेकिन ये ओटीएम भी एकदम डीप ओटीएम नहीं हो गया था, ओटीएम लाइन के अंदर में ही हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक है, ये सपोर्ट कहाँ पे हुआ, लेट मी एक्सटेंड दिस लाइन एंड इफ यू सी दिस, आपको लगभग लगभग यहाँ पे सपोर्ट लाइन
नजर आएगी। और ये भी सेम जैसे निफ्टी के अंदर में देख रहे हैं 12th मई का एक्सटेंशन ये भी हमें दिखा रहा है। नीचे जाने के चांसेस हैं, यस नीचे जाने के चांसेस हैं जिस हिसाब से कैंडल बनता हुआ नजर आए। ये पूरा गेम पहले 1 घंटे के अंदर में ही खेला गया, पूरा 1 घंटे के अंदर में ही, या लेट मी बी स्पेसिफिक 45 मिनट्स के अंदर में पूरा का पूरा मार्केट अपना काम कर लिया था। उसके बाद में तो रेंज बाउंड ही बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है मार्केट के अंदर में। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा फॉल। हाँ, जो हमारा जो मैंने जैकपॉट स्ट्रेटजी बताई हुई थी, हमारा जो ईएमए के बारे में मैंने बात किया हुआ था, उसके हिसाब से अगर हमने देखा होते तो ईएमए हमारा जैकपॉट स्ट्रेटजी ने प्रॉपरली प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट के अंदर में बड़ा मूवमेंट आने वाला है, और ये फ्राइडे को ही प्रिडिक्शन हो गया था। उसके चलते हुए देख सकते हैं मार्केट के अंदर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। आइदर साइड नॉर्मली वो जो प्रोडिक्शन है या जो स्ट्रेटजी है वो आपको बताता है आइदर साइड मूवमेंट होने की चांसेस हैं। अब नीचे भी हो सकता था, ऊपर भी हो सकता था, उसे किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेड क्लियर कट हमें आज के दिन में मिला हुआ है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे देखें अगर, सो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं लेबल्स जो हमने दिए हुए थे 18,200 एक्सपेक्टेड था, 18,200 टूटा, और वो टूटने के बाद में हमने सीधे नीचे की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट है, वहाँ पे आके हमने सपोर्ट लिया हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग हो सकता है 17,200 या एक बार 17,000 को भी तोड़ने की हम कोशिश करें कल के दिन में, चांसेस बनते हैं। लेट्स सी गैप गैप डाउन ओपनिंग होती है कि नहीं होती है, बट जो बढ़िया सपोर्ट आएगा वो बढ़िया सपोर्ट आपको इस लेवल में आना चाहिए, 16,700 से लेके 16,300 के बीच में बढ़िया सपोर्ट आते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब वहाँ पे बॉटम बनाया, जब वहाँ पे हम गए थे तभी हमने वहाँ से रिकवरी की थी, ये हुआ था 24 मार्च के आसपास में, लगभग लगभग 2 महीने बाद हम उसी पॉइंट के आसपास में जाते हुए नजर आ सकते हैं। एक बार देख लेते हैं चार्ट के ऊपर में हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट नजर आ रहा है। सो लेट मी रिड्यूस दी लेंथ फर्स्ट। ओके, सो हमने जो क्लोजिंग दी हुई है, लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट, 17,281 के आसपास में हमें अभी फिलहाल के टाइम पे सपोर्ट नजर आएगा। नीचे की तरफ 16,752 एंड देन उसकी तरफ नीचे की तरफ देखेंगे 16,300 के आसपास में सपोर्ट नजर आएगा। रेजिस्टेंस फिलहाल आपके सामने 18,000 से 18,200 का रेजिस्टेंस अब है। जब से 18,200 के ऊपर में हम काम करना चालू नहीं करते हैं बुलिश पैटर्न बनता है, थोड़ा मुश्किल है। कंसोलिडेशन भी हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है, एक आध दो दिन बैंक निफ्टी वेट करे उसके बाद गिरावट कंटिन्यू करे, चांसेस उसके भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑप्शन चेन में क्या बात हो रही है। बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं 21st मई 2020 का, एंड अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें एट द मनी हमारा होगा फिलहाल के टाइम पे, लेट मी ओपन दैट, 17,573 पे हमने क्लोजिंग दी है। सो एट द मनी होगा 17,500 होगा, यहाँ पे 500 का ये लीजिए 17,500 एट द मनी, 1,17,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है कॉल साइड में, एंड पुट साइड में 2,25,000 का अनवाइंडिंग हुई है, कॉन्फिडेंस कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे पोजीशंस बिल्डअप होते हुए नजर आया है। सो 1,53,000 का यहाँ पे, 151 का यहाँ पे, 3,17,000 का 17,000 पे ओपन इंटरेस्ट है, ओके 16,500 एंड 16,000। सो बेसिकली अगर हम देखने के लिए जाएं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, नीचे जाते समय आपको सपोर्ट नजर आएगा 17,000 के ऊपर में, यानी मार्केट के ट्रेंड को रजिस्ट करता हुआ 17,000 एक बार आपको नजर आ सकता है। 4,04,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें, 18,000 एंड 18,500 इस एक्सपायरी के अंदर में हो सकता है आपके लिए एक बढ़िया वॉल का काम करें। सो रेंज जो अब निकल के आ रहा है, रेंज इज बिटवीन 17,000 to 18,000, दिस इज व्हाट द रेंज इज सेइंग, 17,000 से 18,000 के बीच का रेंज, डेफिनेटली 500 पॉइंट अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है हमें इसके अंदर में, बट 18,500 टूटते हुए नजर नहीं आ रहा है, 18,500 टूटते हुए नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर सडन कोई मूव आया और सडन कोई फैसले आते हैं सो हम शायद 18,500 के ऊपर जाएं, लेकिन इन दैट केस डेफिनेटली 19,000 आपके लिए बड़ा बड़ा एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ सकता है, ऐसा सजेस्ट कर रहा है हमें ऑप्शन चेन। सो दोस्तों ये हो गया बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दो स्टॉक के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया, क्यूमिंस इंडिया एंड पीवीआर के बारे में, तीन स्टॉक बाकी हैं, इन तीनों स्टॉक के अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, इनकेस अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा,
अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया रहेगा तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं कि वीडियो में क्या पसंद नहीं आया, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर सेल्फ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दी चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली व्यू मिलते रहें, लेवल्स मिलते रहें और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आने वाला दिन आपके लिए बहुत बढ़िया हो। गुड नाइट।